अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां ग्राम पंचायत पटना को नगर पंचायत बनाने पर पटना संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कभी भी पटना को नगर पंचायत बनाने की मांग नहीं की है। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा पटना को नगर पंचायत बना दिया गया और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही पेशा कानून के तहत अगर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास नहीं होता है तब तक कोई भी काम नहीं होता है। वहीं यह भी कहा गया कि नगर पंचायत बनने से ग्रामीणों की मजदूरी खत्म हो जाएगी और उन्हें कई प्रकार के टैक्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा लोगों का कहना है कि जब तक सरकार नगर पंचायत को ग्राम पंचायत नहीं बना देती तब तक सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। भारत के जो संविधान है उसमें स्पष्ट वर्णित है कि 243 अभी राजकुमार रोजी ने संसद में ये सवाल उठाया था कि चूंकि ये पांचवी अनुसूची क्षेत्र है और पांचवी अनुसूची क्षेत्र में 243 ZNC के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राज्य शासन नगर पंचायत क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जा सकता। अगर नगर पंचायत क्षेत्र का विस्तार करता है तो हमेशा कानून लागू होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कानून लागू होता है और इसके लिए एक विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाती है और वहां के ग्रामीणों से पूछा जाता है कि आप बताएं क्या यह कार्य उचित है या नहीं। तो इन लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ और स्वार्थ के लिए पटना को ग्राम पंचायत से कोई आम सभा ग्राम सभा की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने भी सुना है ना, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। जिस तरह से ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाया गया पटना को, तो किस तरह का विरोध आप लोग का चल रहा है? सर, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा जय जोहार। हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना जो रखे हैं क्योंकि पटना जो ग्राम पंचायत था उसको नगर पंचायत बना दिया है पिछले 24 जुलाई 2024 के 24 में छत्तीसगढ़ सरकार ने। चूँकि ये सरगुजा संभाग में आता है, पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र है ये, तो संविधान की किताब में कहीं भी नहीं लिखा है कि पांचवी अनुसूचित क्षेत्र को ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया जाए। ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाना हमारे संविधान के 243 ZC को पूर्ण रूप से उल्लंघन करता है। और सबसे पहले यहाँ की जो मनरेगा मजदूर हैं उनका रोजगार छीन रहा है और दूसरी ओर उनसे टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इनके मनरेगा मजदूर हैं, इनको रोजगार की व्यवस्था की जाए और इनके लिए काम दिया जाए ताकि इन लोग अपना घर चला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, इसके बाद ही नगर पंचायत के बारे में सोचें।